हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड परीक्षाओं का तनाव कम करने के लिए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के साथ संवाद करते हैं। वहीं इस साल भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है और ये 20 जनवरी 2022 तक चलेगी। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहे हैं। बीजेपी ने राज्य की 40 से 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि गोवा में 38 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। भारत और जापान में आपसी रक्षा संबंधों को नए मुकाम पर ले जाने को लेकर गंभीर चर्चा का दौर शुरू कर दिया गया है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुई 2+2 वार्ता में जो सहमति बनी थी, उन्हें इस वर्ष लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में विधानसभा चुनाव को टालने का अनुरोध किया है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 14 फरवरी को होने वाले मतगणना को स्थगित कर दिया जाए और इसे कम से कम 6 दिन के लिए टाला जाए। देश में कोरोना का कहर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना की पॉजिटिविटी दर में कमी देखने को मिली है। पॉजिटिविटी दर अब 16.66 से घटकर 16.28% आ गई है। कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत को एक वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों को बधाई दी है और लोगों से टीका जरूर लगवाने की अपील की है। दिल्ली NCR के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को फिलहाल ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में रात या सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर काफी खराब स्तर पर पहुंच गई है। सफर इंडिया के मुताबिक रविवार को सुबह नापी गई AQI 301 रही। दरअसल पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद प्रदूषण में काफी सुधार देखा गया था और AQI 100 से नीचे चली गई थी। कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सभाओं और रैलियों पर 15 जनवरी तक तो पहले ही रोक लगा दी गई थी। अब इसे कुछ और बढ़ाने की तैयारी है, संभवतः तब तक जब तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी रुक ना जाए। वहीं शनिवार को चुनाव आयोग की बैठक में इस पर फैसला होगा। वहीं इस बीच राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार करने के लिए दुगना समय दिया गया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्रालय की ओर से शनिवार को प्रस्तुत एक रिपोर्ट में पता चला है कि देश की जेल में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावशाली कैदियों को भारी मात्रा में धन के बदले विलासिता और अन्य प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।